हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। आज हमारे पास है Realme C31। आज इस वीडियो में इस फोन में टॉप 50 प्लस हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपके पास ये फोन है या आप ये फोन बाय करने के लिए जा रहे हो, वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट हिडन फीचर्स जानने को मिलेगा। जब आप इस फोन को यूज करने लगोगे, इस फोन में बहुत सारे नोटिफिकेशन वगैरह आता रहता है। कई बार क्या होता है, आप ना देखे बिना ही यहाँ पे क्लियर ऑल कर देते हो और बाद में पता चलता है कि बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया था। इस फोन में अच्छा फीचर्स ये है, 24 आवर्स के अंदर वो सारे नोटिफिकेशन को आप देख पाओगे। उसके लिए होम सेटिंग में टैप करके रखिए, होम सेटिंग में चलिए, यहाँ पे नोटिफिकेशन डॉट दिखाई देगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री दिखाई देगा, यहाँ पे आके इस ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए। इस फोन में Realme UI R एडिशन वर्सन देखने को मिलता है। इसके वजह से इस फोन में उतना अच्छा फीचर्स आपको नहीं मिलेगा जैसे कि स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस में मिलता है। सेम वैसे ही गिने चुने कुछ फीचर्स आपको मिलेगा। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में बहुत सारे शॉर्टकट मिलता है, लेकिन बहुत सारे शॉर्टकट हाइड सिचुएशन में भी रहता है। उसको अनहाइड करने के लिए पेंसिल में टैप कर दीजिए और नीचे की तरफ सारे के सारे अनहाइड आपको शॉर्टकट मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे फोकस मोड, इसको टैप करके ऊपर की तरफ लेकर आ जाइए, अनहाइड हो जाएगा। बेड टाइम मोड भी देखने को मिलता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी अनहाइड होकर रहता है। यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया है, इसके ऊपर टैप करके रखिए। इसके अंदर चले जाओगे, यहाँ पे देख लीजिए रिकॉर्ड ऑडियो। आप माइक्रोफोन से भी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो या डिवाइस ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, या दोनों को एक साथ भी आप रिकॉर्ड कर पाओगे। सो टच ऑन स्क्रीन दिखाई देगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम में जहां जहां पे टच करोगे, इसको ऑन करने के बाद आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग जब आप देखोगे तब आपको दिखाई देगा कि कहां कहां आपने टच किए थे। फोकस मोड भी देखने को मिलता है। अगर इसके अंदर आओगे ना तो कमाल का फीचर्स है। बहुत सारे एप्लीकेशन यहां पे देखने को मिलता है। मैं क्रोम को सिलेक्ट करके टर्न ऑन कर देता हूं। जब किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर फोकस मोड आप इनेबल करोगे, वो एप्लीकेशन यहां पे ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, और नहीं तो उस एप्लीकेशन से कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा और इस एप्लीकेशन को ओपन ही नहीं कर पाओगे जब तक फोकस मोड इनेबल रहेगा। यहां पे टैप कर रहा हूं, देख लीजिए फोकस मोड इज ऑन दिखा रहा है। सेटिंग में जाने के बाद जब तक इसको आप टर्न ऑफ नहीं करते हो तब तक इस क्रोम को यूज नहीं कर पाओगे। यहां पे डार्क मोड का भी ऑप्शन दिया गया है। सेटिंग के अंदर अगर आप डिस्प्ले के अंदर आओगे तो यहां पे डार्क थीम दिखाई देगा, इसको इनेबल कर दीजिए, आपके जो फोन का कलर है वो डार्क हो जाएगा। हालांकि बिल्कुल डार्क नहीं होता है, थोड़ा सा लाइटली डार्क होता है, फिर भी यहाँ पे डार्क मोड का ऑप्शन है। डार्क मोड के नीचे यहाँ पे नाइट मोड का ऑप्शन भी दिया है, इसको इनेबल करोगे। अगर आप रातों में फोन को ज्यादा यूज करते हो, इस फोन में नाइट मोड को इनेबल करके करना, आपके आंखों को दर्द नहीं पहुंचेगा। जब आप न्यू फोन खरीदते हो, लॉक स्क्रीन में सारे ही नोटिफिकेशन दिखाई देता है। अगर आपको लगता है लॉक स्क्रीन में नोटिफिकेशन दिखाई ना दे, हाइड रहे, तो उसके लिए डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे लॉक स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन, यहाँ पे डोंट शो नोटिफिकेशन एट ऑल कर दीजिए। लॉक स्क्रीन में आपका नाम भी यहाँ पे लिख सकते हो, आपका नाम या कोई भी मैसेज वगैरह यहाँ पे लॉक स्क्रीन में लिख सकते हो। उसके लिए फिर से डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे लॉक स्क्रीन के अंदर यहाँ पे ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन दिखाई देगा, यहाँ पे आके अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। लॉक स्क्रीन के अंदर ही वाइक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, जब लॉक स्क्रीन में नोटिफिकेशन वगैरह आएगा, स्क्रीन का जो लाइट है वो वाइक का हो जाएगा इसको इनेबल करने के बाद। इस फोन के वाईफाई के अंदर भी थोड़ा बहुत फीचर्स मिलता है। नोटिफिकेशन एंड इंटरनेट के अंदर वाईफाई के अंदर आओगे, यहाँ पे वाईफाई परफॉर्मेंस के अंदर आओगे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा टर्न ऑन वाईफाई ऑटोमेटिकली। ये अगर ऑन रहेगा, अगर आपके घर में वाईफाई है और आप बाहर गए थे तो बाहर से जब आओगे ना, वाईफाई अगर बंद भी रहेगा तो ऑटोमेटिकली ऑन होके ये डिटेक्ट कर लेगा और कनेक्ट हो जाएगा। नोटिफाई फॉर पब्लिक नेटवर्क, अगर आपके आसपास कोई भी हाई क्वालिटी का पब्लिक नेटवर्क होगा तो आपको नोटिफिकेशन भेज देगा कि पब्लिक हाई क्वालिटी का पब्लिक नेटवर्क है। सेटिंग के अंदर स्मार्ट कंट्रोल में आओगे, यहाँ पे स्मार्ट वाइक दिखाई देगा। बेसिकली लॉक स्क्रीन में अगर डबल टैप करोगे तो स्क्रीन का जो लाइट है वो वाइक का भी यहाँ पे हो जाएगा इसको इनेबल करने के बाद। इस फोन में एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, लेकिन स्मार्ट कंट्रोल में लेफ्ट टू चेक फोन इसको इनेबल करोगे। मान लो फोन ऐसा बंद यहाँ पे उल्टा हुआ है, अगर इस तरीके से पलट देते हो तो यहाँ पे देख लीजिए एमोलेड डिस्प्ले जैसा ही यहाँ पे स्क्रीन ऑन हो जाएगा। स्मार्ट कंट्रोल के अंदर स्मार्ट मोशन में जाओगे, इसको ऑन करने के बाद और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि इजी आंसर, इसको इनेबल करने के बाद इनकमिंग कॉल वगैरह आ रहा है ना तो फोन को कान के पास लेकर आ जाइए, ऑटोमेटिकली कॉल रिसीव हो जाएगा। म्यूट इनकमिंग कॉल, इसको इनेबल करने के बाद मान लो फोन ऐसा पड़ा है, कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आया है तो फोन को पलट दीजिए, जो कॉल है वो म्यूट हो जाएगा। प्ले कंट्रोल, यानी कि म्यूजिक जब चलेगा तो आप फ्लिप करके म्यूजिक को कंट्रोल कर पाओगे, पॉज या प्ले करना या नेक्स्ट करना, तो सब कुछ आप कर पाओगे। स्मार्ट कंट्रोल के अंदर यहाँ पे पॉकेट मोड भी देखने को मिलता है। कई बार क्या होता है, पॉकेट में जब फोन रहता है, कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आ जाता है तो ऑटोमेटिकली कई बार रिसीव हो जाता है, लेकिन इसको इनेबल करोगे ना, इसको इनेबल करने के बाद जब कॉल आएगा फोन काम करना बंद कर देगा। यहाँ पे एक सेंसर है, ये जब तक ढका हुआ रहेगा पॉकेट
पॉकेट के अंदर ऑब्वियसली ढका हुआ रहता है, तो उसकी वजह से फोन काम ही नहीं करेगा और कॉल तो दूर कुछ भी नहीं करेगा ये फोन। प्राइवेसी के अंदर यहाँ पे परमिशन मैनेजर दिखाई देगा, यहाँ पे बहुत सारे परमिशन आपको देखने को मिलेगा कि कौन सा चीज किस चीज के लिए परमिशन ले रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कैमरा तीन परमिशन ले रहा है, कैमरा, मैसेज और फोन। अगर आपको लगता है ये जो मैसेज कैमरा का क्यों परमिशन ले रहा है तो डोंट अलाउ कर दीजिए, कभी भी ये जो मैसेज है ये कैमरा का परमिशन नहीं लेगा। जब लेगा आपको पूछेगा कि परमिशन देना है कि नहीं, तो आपके हिसाब से आप सेट कर सकते हो। इस फोन में किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर टाइमर लगा सकते हो, उसके लिए डिजिटल वेलबिंग के अंदर सो योर डाटा कीजिए, डैशबोर्ड दिखाई देगा। इसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन के अंदर जाओगे ऐप टाइमर दिखाई देगा। मैं यहाँ पे 30 मिनट सिलेक्ट कर देता हूँ। ये जो 30 मिनट सिलेक्ट किया हूँ ना, दिन में क्रोम सिर्फ 30 मिनट ही यूज कर पाऊंगा, उससे ज्यादा यूज नहीं कर पाऊंगा। अगर इससे ज्यादा यूज करने जाऊं तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ओपन ही नहीं होगा जब तक यहाँ पे आके इस टाइमर को डिलीट नहीं करते हो। मैं यहाँ पे बटन यूज कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को जेस्चर्स पसंद है, इस फोन में जेस्चर्स का ऑप्शन है। असेंबिलिटी के अंदर जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा सिस्टम नेविगेशन, तो यहाँ पे आके जेस्चर्स को इनेबल कर दीजिए। देखिए जो बटन है वो गायब हो गया है। इस साइड से स्वाइप करने के बाद होम स्क्रीन में आ जाओगे, स्वाइप करके होल्ड करके रखोगे रिसेंट मेनू में आ जाओगे, इस साइड से स्वाइप करोगे बैक होगा, इस साइड से स्वाइप करोगे तो भी यहाँ पे बैक ही होगा। असेंबिलिटी के अंदर यहाँ पे हैप्टिक फीडबैक का ऑप्शन भी दिया है, यहाँ पे टच फीडबैक है तो आप यहाँ पे ऑन कर देना, थोड़ा सा आवाज के साथ साथ थोड़ा सा वाइब्रेट भी करेगा, जैसे कि हैप्टिक फीडबैक है ऐसा लगेगा। जब आप न्यू फोन खरीदते हो बैटरी का परसेंटेज भी दिखाई नहीं देता है, तो बैटरी के अंदर यहाँ पे बैटरी परसेंटेज को इनेबल कर देना, यहाँ पे दिखाई देगा कितना परसेंट बैटरी आपके फोन में अवेलेबल है। इस फोन में स्प्लिट स्क्रीन को ओपन कर पाओगे, रिसेंट मेनू में जाने के बाद किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर टैप कर दीजिए, स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई देगा। बेसिकली एक साथ आप दो ऐप को यूज कर पाओगे, ऊपर की तरफ क्रोम यूज कर रहा हूँ, नीचे की तरफ यहाँ पे सेटिंग यूज कर रहा हूँ। होम स्क्रीन में किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर टैप करके रखोगे, मैं यहाँ पे YouTube के ऊपर टैप करके रखा हूँ, आप YouTube के अंदर ना जाके डायरेक्टली ये सारे ऑप्शन में जा सकते हो, और ये सिर्फ YouTube के लिए नहीं हर एक एप्लीकेशन के लिए लागू होता है। Realme C31 में इसके अलावा उतना खास कुछ फीचर्स नहीं मिलता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजने टाइम ऑल में जरूर क्लिक करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक मचाते रहो।